दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में वीरेंद्र सहवाग के बेटे ने क्रिकेट जगत में बना दिया एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। दोस्तों पहले तो वीरेंद्र सहवाग के बेटे ने ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजों की धजिया उड़ा दी और महज इतनी गेंदों में खेल डाली 275 रनों की खतरनाक पारी। आखिरकार दोस्तों आप भी देखना चाहते हैं वीरेंद्र सहवाग के बेटे का भयंकर बल्लेबाजी का पूरा वीडियो, तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों आपके मन में एक सवाल जरूर होगा कि वीरेंद्र सहवाग के बेटे वर्ल्ड कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैसे बल्लेबाजी कर सकता है। मगर दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दे, कप्तान रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने प्लेइंग 11 में वीरेंद्र सहवाग के बेटे को जगह देने की मौका दिया है। दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 में भारत और ऑस्ट्रेलिया टीम के बीच में पहला वनडे मुकाबला राजकोट के मैदान पर खेला गया, जिसमें कप्तान डेविड वार्नर ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया टीम की ओर से बल्लेबाजी करते हुए मिचेल स्मार्थ ने सबसे ज्यादा 115 रनों की खतरनाक और विस्फोटक पारी खेली, जबकि डेविड वार्नर ने 56 रनों का योगदान दिया। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए स्टीवन स्मिथ मैदान पर आते ही कोहराम मचा दिया और मोहम्मद सिराज के 4 बॉल में लगातार 4 छक्के लगा दिए। दोस्तों मोहम्मद सिराज भी किसी से कम नहीं था और स्टीवन स्मिथ को 76 रन के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों आप लोग ये बात जरूर जानते होंगे कि वीरेंद्र सहवाग कितने खतरनाक बल्लेबाज थे। दुनिया के सभी गेंदबाज वीरेंद्र सहवाग के सामने थर थर कांपने लगते थे। सबको पता था कि अगर सहवाग शुरू के 15 ओवर भी खेल गए तो अकेले दम पर मैच जिता देते थे। मगर दोस्तों जब से वीरेंद्र सहवाग संन्यास लिया है तब से लेकर अब तक भारतीय टीम को सहवाग जैसा खिलाड़ी नहीं मिल पाया। लेकिन दोस्तों दूसरी ओर वीरेंद्र सहवाग के बेटे अरविंद सहवाग ने क्रिकेट के मैदान पर कदम रखते ही हाहाकार मचा दिया। सहवाग के बेटे ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ और सिर्फ 215 गेंदों का सामना करने के बाद 275 रनों की तूफानी पारी खेल डाली, जिसमें 15 चौके और 11 छक्के शामिल थे। दोस्तों 341 रनों का पीछा करने के लिए भारतीय टीम जब मैदान पर आई तो भारतीय टीम की शुरुआत काफी खराब रही, क्योंकि दोस्तों 30 रन के स्कोर पर 2 विकेट गिर चुके थे। कप्तान रोहित शर्मा ओपनिंग करते हुए 15 रन के स्कोर पर आउट हो गए, वहीं शुभमन गिल भी 12 रन के स्कोर पर पवेलियन चला गया, जबकि सूर्य कुमार यादव ने भी जरूर 55 रनों की पारी खेली। इस तरीके से भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर इतिहास रच दिया।